कि लगाओ इल्जाम, मैं उल्टा ना शहीन हूँ, जो ना सोई हूँ तुम्हारे साथ तो मैं चरित्रहीन हूँ। बनारस ही असली आस्था की थाल है, तभी तो हम बनारस वालों का भौकाल है। जितने सभी बड़े हैं उन सबको प्रणाम और छोटों को खूब ढेर सारा प्यार। मेरा नाम विभा पाठक है और मैं बनारस से हूँ। तो एक लड़की हूँ और गांव ही नहीं शहर में लॉकडाउन में औरतों के साथ क्या क्या अत्याचार हुए उन सब की चीखें उन सब की आवाज़ बनने आई हूँ। अगर आपके दिल तक पहुँचे तो तवज्जो ज़रूर दीजिएगा कि ज़रा सी बात पे औरतों की चमड़ी उधेड़ने वाले ये मूछों पर ताव देते हैं खुद को मर्द कहने वाले। कि यूपी में क्या हुआ था आप सभी जानते हैं कि एक बार की चीख से जलाया गया है, एक बार की चीख से जलाया गया है कुछ ऐसे कई हिस्सों को दफनाया गया है। बंद ना होगी इनकी बेहूदगी तो हमें बोलने में शर्म क्यों करनी, बंद ना होगी इनकी बेहूदगी तो हमें बोलने में कैसी शर्म करनी, ये करे अपनी मनमानी हम कुछ बोले तो किसी की बिस्तर है गरम करनी। कि लगाओ इल्जाम कि मैं उल्टा ना शहीन हूँ, औरतों को कितने सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है कि लगाओ इल्जाम मैं उल्टा ना शहीन हूँ, जो ना सोई हूँ तुम्हारे साथ तो मैं चरित्रहीन हूँ। और समाज की सोच को बदलने का एक लड़की ने बीड़ा उठाया था, समाज की सोच को बदलने का एक लड़की ने बीड़ा उठाया था, हर कदम पर हो बलात्कार तुम्हारा ऐसा कहकर समाज के चंद लोगों ने उसे समझाया था। जेठ की तपती दोपहरी में तुम्हारे दिए हर जख्मों को सह गई, जेठ की तपती दोपहरी में तुम्हारे दिए हर जख्मों को सह गई, एक औरत हूँ जनाब इसलिए तो चुप रह गई। शुक्रिया सर। कि कभी बेलन तो कभी चिमटा की बारी आई थी, कभी बेलन तो कभी चिमटा की बारी आई थी, कुछ हल्की हल्की बात से मेरे जिस्म से निशान उबर आई थी। मेरा वो दर्द में रोना सबको खटकता था, मेरा वो दर्द में रोना सबको खटकता था, और तुम्हारा वो मुझे बंद कमरों में पीटना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कि मारते मारते तुमने मुझे लहूलुहान किया था, अरे बस करो मुझे छोड़ दो ऐसा मैंने तुमसे कई दफा कहा था, फिर भी तुमने एक ना सुनी, तेल छिड़क मुझे जला दिया, अरे चरित्रहीन थी जलकर मर गई, भाग नहीं पाई इसलिए तो ऐसा कर गई, तुम्हारे 70 किलो के वजन को अपने सीने पे बिठा रखा था, अरे कुछ तो शर्म करो यूं ही नहीं मांग में सिंदूर सजा रखा था। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सिंदूर की कीमत चुकाई है, क्या कहा इस सिंदूर की कीमत चुकाई है तूने, अरे मियां जाओ तुम्हारी कीमत में ना तुम्हारी ही भलाई है। और क्या कहा ये बिंदी लिपस्टिक क्रीम ये सब मैंने मंगवाई है, तो जनाब इससे हर औरत तुम्हारा ही तो दिल बहलाई है, बहिष्कार करके मेरा तुमने अपना मान बढ़ाया था, अरे मेरा मांग उजाड़ कर किसी औरत का ही तो घर बसाया था, ये जो जिस्म की भूख है ना ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, अरे सुधर जाओ अभी भी वक्त है वरना एक औरत ही तुमको तोड़ेगी। शुक्रिया सर। और अभी अमर सर ने कुछ राजनीति पे सुनाया तो दो लाइन में उस पर, हालांकि वोट तो मैंने भी दिया था, गुनहगार तो मैं भी हूँ, तो हाँ सवाल है बट मैं दो लाइन सुना रही हूँ, आप देखिएगा कि ना रोक है तुमको काम मुक्ता पर, ना रोक है तुमको काम मुक्ता पर क्रोध की ज्वाला भड़कानी है, ना रोक है तुमको काम मुक्ता पर क्रोध की ज्वाला भड़कानी है, अरे कैसे साधु संत हो तुम, तुम्हें कैसे देश चलानी है। ये मैंने वेब सीरीज आश्रम से इंस्पायर्ड होकर लिखी है, आप ज़्यादा मत सोचिएगा।
कि गृहस्थ आश्रम को त्याग कर कामुकता में लीन हो तुम, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर कामुकता में लीन हो तुम, और कहते हो सब मोह माया से दूर हो तुम। शरीर को नश्वर बताने वाले करोड़ों में खेला करते हैं। अरे कई ऐसे संत हैं जो लाखों के मलमल पर सोया करते हैं। हर मोह माया से दूर कुटिया हम बसाएंगे, हर मोह माया से दूर कुटिया हम बसाएंगे, प्रभु के नाम पर हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा सुना आपने, तो थोड़ा सा मैंने माहौल गंभीर कर दिया, और ये रिकॉर्ड मत करिएगा कुछ, मतलब थोड़ा सा माहौल सही करने के लिए एक मैं थोड़ा सा दो लाइन सिंगिंग करना चाहती हूँ। आप लोग ये तरन्नुम में है और अंजुम रहबर जी का है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं सुना रही हूँ। कि देखिएगा आप लोग कि आ जाइए कि आँख में फिर नूर लौट आए, आ जाइए कि आँखों में फिर नूर लौट आए, आता नहीं है कुछ भी नजर आपके बगैर। शुक्रिया सर कि, और जो कपल हैं वो भी बहुत ध्यान से सुने कि आदत है हाथ थाम के चलने की आपका, आदत है हाथ थाम के चलने की आपका, मुमकिन नहीं है मेरा गुजर आपके बगैर। शुक्रिया, जोरदार तालियां।